यह कोई बक्सा नहीं था बल्कि नर्क जाने का रास्ता था। मौके का फायदा उठाकर राजा उसे पीछे से बक्से में धक्का दे देता है। वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसे आदमी पकड़ सके, वो अब किसी भी समय मर सकता था। बेरहम राजा ये देखकर खुश होता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन भाग्य से लड़का बच जाता है और उठकर अपने चारों तरफ देखता है। वहाँ सिर्फ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, आदमी के बचने के चांस ना के बराबर थे, इसलिए वो अपना मुंह नीचे करके रोने लग जाता है। तभी हड्डियों के ढेर से कोई चीज बाहर निकलती है जिसे देखकर लड़का बहुत डर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कोबरा सांप था। वो अपनी माँ की दी हुई बीन को बजाने लगता है जिस कारण सांप नाचने लग जाता है और जल्द ही उसका पालतू बन जाता है। मगर अब उसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो अपनी माँ के दिए हुए पराठे उसे खिला देता है, जिससे खुश होकर कोबरा सांप उसे अपने नाक पर बैठाकर उसे बाहर छोड़ देता है। आदमी वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और जाड़ियों से एक भेड़िया बाहर निकलता है। आदमी डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी माँ की बीन बजाने लगता है, जिस कारण भेड़िया भी नाचने लगता है और उसका पालतू बन जाता है। मगर अब इसे खाने के लिए कुछ देना होगा, नहीं तो ये उसे मार देगा, इसलिए वो उसे भी अपनी माँ के हाथ का पराठा खिलाता है, जिससे भेड़िया भी उसे खुश होकर अपनी